सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स बी सेक्शन के स्टूडेंट्स के साथ में ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके बारे में हम अब तक बात कर रहे हैं। और ये आज का जो लेक्चर है वो 12वां लेक्चर है। आज हम जो है बात करने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड जो है क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटरों को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। आपको मालूम होगा कल हम लोगों ने जो मुख्य रूप से बात की थी वो बात की थी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं उन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज के अंदर यानी वर्ग समतलीय जो कॉम्प्लेक्सेज हैं संकुल है उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो किस प्रकार होती है। और उसके साथ ही हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज में, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेज में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज की जो स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है उसमें क्या अंतर होता है। और हमने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा जो CFSN या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की होती है, फिर उसके बाद में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज की होती है और तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेज। ये जो रिलेशनशिप है हमें मालूम है कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू होती है 1.3 डेल्टा जीरो और डेल्टा टी जो है वो इज इक्वल टू होती है 4/9 डेल्टा जीरो। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसकी होती है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज की, उसके बाद में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज की और तीसरे नंबर पर आते हैं टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेज। तो इस तरह से हमने अब तक ये बात की। आज हम बात कर रहे हैं कौन कौन से कारक जो हैं वो क्रिस्टल फील्ड जो है जो पैरामीटर्स को प्रभावित करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम उसको ये भी कह सकते हैं कि CFSC को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। विच आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द CFSC दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर हम जो है उन कारकों के संबंध में एक एक करके बात करेंगे। किसी संकुल के लिए डेल्टा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान उच्च या निम्न होगा वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, मतलब वो जो इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर जो है वो निर्भर करता है, जिसमें से पहला है ये धातु आयन पर आवेश चार्ज ऑन मेटल आयन। यह आयन फिर से तीन भागों में बांटे जा सकते हैं, मतलब देखिए ये जो कारक है इस कारक को हम क्या कर सकते हैं, तीन भाग में बांट सकते हैं कि जो चार्ज ऑन मेटल आयन्स हैं उसके अंदर उसको हम आगे फर्दर जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है धातु आयन समान हो, मतलब मेटल जो है वो एक ही हो लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था जो है उनकी अलग अलग हो और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग हो, यानी कि उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है और उसमें जो नेचुरली उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर भी अलग अलग होगा और मेटल समान है उनके अंदर हम देख सकते हैं कि उनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होती है। तो डेल्टा ओ जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है उसके लिए क्या होगी। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम बात करते हैं आयरन की, आयरन का Fe का जो है और वाटर के बीच में H2O के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है Fe2H2O6 का होल ट्वाइस प्लस और दूसरा है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में H2O6 इसका जो है इस पर पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर +3 चार्ज है। तो ये +2 पॉजिटिव चार्ज और +3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे वाले एग्जांपल की हम जिसकी बात कर रहे हैं इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो डेल्टा ओ की वैल्यू है जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कितनी है, पहले वाले में है 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरे वाले में है 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स। नेचुरली जो है वो आयरन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिस कॉम्प्लेक्स आयन में है उसकी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले में D6 है दूसरे वाले में D5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन पहले वाले में +2 है दूसरे वाले में +3। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम कोबाल्ट का भी देख सकते हैं, कोबाल्ट का भी जब वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है तो पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन की जिसमें हम बात करते हैं जिस पर +2 चार्ज है उसके लिए जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स है और जो डी आयन जो है सॉरी मेटल आयन पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D7 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कोबाल्ट का जो है वो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू जो है
वो 18,200 और डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल एटम सेम है लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है यानी कि जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इसमें है उसके लिए जो है डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इसका हम कारण जो है वो समझते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि धातु समान हो लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न भिन्न हो तो वह धन आयन जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है उसके लिए डेल्टा ओ यानी CFSC का मान जो है वो अधिक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस धातु आयन पर आवेश अधिक होता है वह लिगेंड को ज़्यादा प्रभावी तरीके से ध्रुवित करता है, यानी कि जिसके पास में कैटायन के पास जिसके पास चार्ज ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव पोलराइजेशन जो है वो लिगेंड्स का करेगा। इससे क्या होगा, जिससे ऐसे धातु आयन के पास लिगेंड जो है वो आसानी से ज़्यादा पहुंच जाता है, यानी धातु आयन व लिगेंड के मध्य जो प्रतिक्रिया या जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो रिपल्शन है वो बढ़ने से क्या होगा, CFSC की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेटल और आयन्स के बीच का लिगेंड्स के बीच का जो इंट्रैक्शन है उससे जो है डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो हम क्या देखते हैं, वो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो अधिक होती है। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसी चार्ज ऑन मेटल आयन के बारे में दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था यदि समान है लेकिन उनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, कोबाल्ट का वाटर के साथ में जो क्रिस्टल बनता है उसमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से निकिल का वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें निकिल जो है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या क्या है, दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन उनके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या अलग अलग है। तो कोबाल्ट का जो D+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d7 होता है और निकिल का जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है निकल +2 स्टेट में वो 3d8 होता है। तो यानी कि कोबाल्ट में जो है डी इलेक्ट्रॉन 7 है और निकिल में डी इलेक्ट्रॉन 8 है। तो कोबाल्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है, 9300 सेंटीमीटर इन्वर्स, और निकिल के लिए जो है ये वैल्यू जो होती है वो होती है 8500 सेंटीमीटर इन्वर्स। यानी कि हम कह सकते हैं जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उसके लिए डेल्टा का मान कम होता है। अब उसका कारण क्या है वो हम अभी आगे जानते हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान हो लेकिन उनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो जैसे जैसे जो है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी डेल्टा ओ का मान जो है वो कम होता जाएगा। तो जितने ज़्यादा जो है डेल्टा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी जितना भी डी इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरेंगे। तो इसको हम रिलेशनशिप के रूप में कह सकते हैं, डेल्टा ओ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षकों में भरे जाएंगे जिससे कि डेल्टा ओ का मान कम होगा क्योंकि ईजी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तंत्र की को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नीचे सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसके बाद में ईजी में भरे जाते हैं। तो जो हायर जितनी ज़्यादा जिसको अपन कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऊपर वाले वो किस में जाएंगे, वो ईजी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, जिसके कारण से जो CFSC की वैल्यू है वो कम होती है। तो इसलिए क्या है, हम क्या देखते हैं कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए CFSC की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था तो है जो अलग अलग हो तथा धातु आयन भी अलग प्रकार के हों लेकिन उसमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अब देखिए यहाँ पर दोनों से अलग स्थिति है कि मेटल्स अलग अलग हैं लेकिन दोनों मेटल्स पर जो चार्ज है, दोनों मेटल्स पर चार्ज है वो भी अलग अलग है लेकिन दोनों के जो डी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, दोनों का डी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन समान है। जैसे एग्जांपल लिया वेनेडियम का और वाटर के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका,
और क्रोमियम का और वाटर के बीच में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है उष्मा, उन दोनों में वाटर के जो है 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और इन पर जो जो भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए जो टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है वही जो है उस मेटल का के ऊपर चार्ज है। तो हम देख सकते हैं कि वैनेडियम पर +2 चार्ज है और क्रोमियम पर +3 चार्ज है, लेकिन दोनों की जो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें समान इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3d3 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनके लिए जो डेल्टा ओ के मान को हम कंपेयर करते हैं, तो वैनेडियम के लिए जो मान आता है वो आता है 12,400, और क्रोमियम के लिए जो ये मान आता है वो आता है 17,400 यानी 17,400, जो कि हम कह सकते हैं कि क्रोमियम के लिए जो ये वैल्यू है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसका कारण अभी हम इसको देखते हैं। अर्थात अलग अलग धातु आयन जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग हो लेकिन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन से बने संकुल के लिए डेल्टा ओ का मान उच्च होगा। तो हमने क्या देखा था, वेनेडियम और क्रोमियम में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वेनेडियम की +2 है, तो क्रोमियम की क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए उसके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू यानी CFSE की वैल्यू इसमें ज़्यादा होती है। यहाँ पर वेनेडियम +2 आयन की तुलना में क्रोमियम +3 आयन ज़्यादा धनावेशित है, जिससे क्रोमियम +3 आयन पानी के अणुओं को अपनी ओर ज़्यादा बल से आकर्षित करता है, जिससे H2O लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव धातु आयन के डी कक्षकों पर ज़्यादा होता है, अतः डेल्टा ओ का मान बढ़ जाता है। तो देखिए जो जो मेटल आयन जितना ज़्यादा चार्ज है वो जो है लिगेंड्स के ऊपर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन जो है उसको आकर्षित करेगा, और इसके कारण से जो है क्रिस्टल क्षेत्र जो है उन पर लिगेंड का जो प्रभाव है वो उतना ही अधिक होगा। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि डेल्टा ओ जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था के प्रोपोर्शनल होता है, यदि दोनों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो, है ना, ये जो है ये बात हमको ध्यान होनी चाहिए। चौथा है संक्रमण श्रृंखला ट्रांजिशन सीरीज। 3D संक्रमण श्रृंखला से 4D श्रृंखला तक जाने पर तथा 4D संक्रमण श्रृंखला से 5D संक्रमण श्रृंखला पर जाने पर डेल्टा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि 3D से 4D और 4D से 5D के अंदर क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इस प्रकार प्रथम संक्रमण श्रृंखला के लिए यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए डेल्टा ओ का मान कम होता है, जबकि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण तत्वों के लिए डेल्टा ओ का मान उच्च होता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। 3D से 4D श्रृंखला के लिए यह वृद्धि सामान्य से 30-50% तक होती है, इसी प्रकार की वृद्धि जो होती है वो 4D से 5D श्रृंखला के लिए होती है। तो ये हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम मेटल कॉम्प्लेक्स आयन की हम अगर हम बात करें तो उसमें अगर मेटल आयन लोअर ऑक्सीडेशन सीरीज का है, यानी कि ट्रांजिशन सीरीज का है, 3D का है, तो उसके लिए CFSE की वैल्यू कम है, 4D का है तो ज़्यादा है, और 5D का है तो और ज़्यादा है, और ये वृद्धि लगभग 30-50% होती है। तो हमने यहाँ पर एक हमने क्या बताया कि डेल्टा ओ के लिए क्या बताया, 5D वुड बी ग्रेटर देन 4D एंड 4D वुड बी ग्रेटर देन 3D। अब यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक ही ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करते हैं, कोबाल्ट जो है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, तो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यहाँ पर जो कोबाल्ट 3 है उसकी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D6। उसके बाद उसके नीचे रोडियम जो है उसकी हम बात करें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D6 है, और ये क्या है, ये 4D सीरीज का ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, तो इसके लिए जो डेल्टा ओ यानी CFSE की वैल्यू जो है वो 34,000 आती है। इरिडियम के लिए जो है जो कि 5D सीरीज का मेंबर है, इसके लिए ये वैल्यू जो होती है वो 41,000 आती है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 5D6 होता है। तो हम कह सकते हैं संभवतः निम्न संक्रमण श्रृंखला से उच्च संक्रमण श्रृंखला में जाने पर डी कक्षक जो है वो नाभिक से दूर हटते जाते हैं, 5D कक्षक 4D कक्षक में और 4D कक्षक 3D की तुलना में ज़्यादा विसरित या डिफ्यूज होते हैं। हमको मालूम है
कि हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है डिफ्यूजन जो है उनका ऑर्बिटल्स का बढ़ जाता है, यानी कि वो ऑर्बिटल बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके साथ उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इस कारण से जो है डी कक्षक बाहरी क्षेत्र यानी लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं और डेल्टा का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो हमको उस केस में जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम जो है विभिन्न लिगेंड्स के बारे में हम जो है ये बात कर सकते हैं, सॉरी मेटल केस के बारे में बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से मेटल आयन पर जो आवेश है वो CFSE के मान को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आज हमने मेटल के संबंध में बात की। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्न के ऊपर जो है हम लिगेंड्स की प्रकृति के आधार पर बात करेंगे कि किस प्रकार से जो लिगेंड की प्रकृति है उसका जो नेचर है वो CFSE की वैल्यू को प्रभावित करता है। आपके लिए आज आप सभी के लिए आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।